के बाद भी भाजपा चुनाव प्रचार के लिए भीड़ जुटा रही है। लोगों की जान को खतरे में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। नमस्कार, मैं कीर्ति तोमर, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भाजपा को सत्ता का लालच इतना है कि उसके लिए अगर बीजेपी को जनता की बलि भी देनी पड़े तो उसके बाएं हाथ का खेल होगा। भाजपा के लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता है। जी हाँ, उत्तराखंड से बागेश्वर से बीजेपी विधायक चंदन राम दास ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिस पर चुनाव आयोग ने बीजेपी विधायक को उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक जनसभाओं पर रोक लगा दी है, फिर भी भाजपा को समझ नहीं आ रहा है। जबकि भाजपा चुनाव आयोग की पाबंदी से पहले करीब 399 रैली और जनसभाएं कर चुकी है, जहां एक तरफ भाजपा के विधायक ही नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहेगी। भाजपा विधायक चंदन राम दास ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में भीड़ को इकट्ठा किया है, दूसरी तरफ उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया। भाजपा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसे लोगों की सुरक्षा की कोई भी परवाह नहीं है, ये तो आपको इस खबर से पता ही चल गया होगा। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक दास ने लोगों के बीच जाकर कुछ मुफ्त में सामान भी बांटा है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस मामले की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और फिर भाजपा विधायक को जवाब तलब किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ही धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर कोरोना गाइडलाइन और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी के घर घर अभियान के तहत कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इस अभियान से बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना फैला रहे हैं और लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। दरअसल 10 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में हुई चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए राधा मोहन सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जहां और भी बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह के संपर्क में आए थे और इन दिनों ये भाजपाई घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वो गांव, शहर और कस्बों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ना तो इन बीजेपी नेताओं ने अपनी ही जांच कराई है और ना ही पूरा एहतियात बरत रहे हैं, इनसे कोरोना संक्रमण फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। जैसे लग रहा है कि भाजपा ने कोरोना को फैलाने की जिम्मेदारी उठा ली है। क्या इन लोगों को सुरक्षा की बिल्कुल ही परवाह नहीं है? क्या सत्ता का इतना लालच है? और ये सत्ता के लालच में ये भाजपा कितना नीचे गिरेंगे? इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नमस्कार।